दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय नौगछिया में जिला परिषद का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ। मांगे मान ले विभाग नहीं तो बैठे रहेंगे धरना पर। बोले मुख्यमंत्री, जल्द बनेगा नौगछिया जिला। नौगछिया वासियों में दौड़ी खुशी की लहर। लंगरा में भाजपा की बैठक, घर घर जाकर बताएंगे सरकार की उपलब्धि। हत्याकांड आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित महिला ने डीआईजी को दिया आवेदन। चंद्रगुप्त बने जिला अध्यक्ष और प्रवीण बने प्रदेश महामंत्री। नौगछिया के विभिन्न मंडलों में बीजेपी की बैठक आयोजन। नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता ने इसमाईपुर से बिनचोली के बीच स्थित तस्करों का किया निरीक्षण। कैंप कार्यालय में किया समीक्षा। गोपालपुर में पाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज। नारायणपुर के नगरपारा और रायपुर में मिला कोरोना संक्रमित मरीज। नौगछिया में रालोसपा ने किया अपने संगठन का विस्तार। नवगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे जीएस न्यूज परिवार के। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय नौगछिया में जिला परिषद का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ। शुरू हो गई है आरपार की लड़ाई। मांगे मान ली विभाग, नहीं तो बैठे रहेंगे धरने पर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नौगछिया स्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। धरना पर बैठे युवा नेता और इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल ने कहा कि 2 वर्षों से विभागीय स्तर से इस्माइलपुर गंगा तट के लोगों को सिर्फ आश्वासनों का झुंझुना थमाया जा रहा है। हर वर्ष लोग बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि का इसका तनिक भी ध्यान नहीं है। जिला परिषद ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। या तो तटीय इलाके के लोगों के मांगों को मानना होगा, नहीं तो वे लोग अनिश्चित काल के लिए कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे रहेंगे। विपिन कुमार मंडल ने कहा कि नौगछिया अनुमंडल के कई इलाकों का पिछले 15 वर्षों में समन्वयक विकास हुआ है, लेकिन इस्माइलपुर के साथ अब तक सिर्फ सौतेला व्यवहार हुआ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बताते चलें कि मौके पर विपिन कुमार मंडल ने कुछ मांगे की है, जिसमें बांध निर्माण में किसानों के जमीन की मिट्टी का एवं फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान 15 दिनों में हो, किसानों को शिविर लगाकर मुआवजे का भुगतान हो, बांध निर्माण कार्य में उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारी या कर्मी पर कार्रवाई हो, बांध निर्माण के जमीन का सीमांकन एवं किसानों के भूमि संबंधी विवाद का निराकरण सक्षम पदाधिकारी स्थल पर जाकर करें। बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल्द बनेगा नौगछिया जिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल सम्मेलन में कहा गया, नौगछिया में हमने बहुत विकास कार्य किया है, बहुत जल्द नौगछिया जिला बनेगा। विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का कार्य भी बहुत जल्द प्रारंभ होगा। वर्चुअल सम्मेलन में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 15 साल भय बनाम 15 साल भरोसे की लड़ाई है। आम जनता के बीच 15 साल के जंगलराज और उसके बाद 15 साल के विकास के कार्यों को पहुंचाने का काम करें। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, इसलिए हमें अपने विकास कार्यों के मुद्दे पर ही के बीच जाना है। सभी कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से किसी वाद विवाद में पड़ने के बजाय आम जनता के बीच हमारे काम को बताएं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सम्मेलन में नौगछिया के जिला बनाने की चर्चा करने पर नौगछिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। मालूम हो कि इस मुद्दे को नौगछिया के प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में रखा गया। यहां के लोग नौगछिया को जिला बनाने को लेकर संघर्षरत भी रहे हैं। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में नौगछिया के जिला बनने की बात कहकर नौगछिया वासियों का एक बार फिर से दिल जीत लिया है। नौगछिया जैसे छोटे से जगह पर मुख्यमंत्री का ध्यान होना यहां के लोगों की उपलब्धि है। जदयू राज्य सचिव सदस्य बुलंदजी चौधरी, मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष रवीश कुमार, वरिष्ठ जदयू नेता अशोक दादा हुला सिंह, ज्ञानशक सिंह, पारसनाथ साहू, त्रिपुरारी कुमार भारती, गुलशन कुमार आदि अन्य ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया है। रंगरा में भाजपा की बैठक, घर घर जाकर बताएंगे सरकार की उपलब्धि। रंगरा भाजपा प्रखंड अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में रंगरा के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का था। इसको लेकर महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं मौके पर पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गुलाबी सिंह, जिला महामंत्री आलोक सिंह, रंगरा मंडल प्रभारी अजय कुशवाहा, शक्ति केंद्र प्रमुख सह प्रमुख, मंच मोर्चा के प्रखंड संयोजक, प्रकोष्ठ के प्रखंड संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद थे। हत्याकांड आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित महिला ने डीआईजी को दिया आवेदन।
नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी में बीते 21 मार्च को घर में घुसकर युवक की हत्या करने के मामले में आरोपित तेलगी निवासी सुमित राय और उसके पिता पवन राय को गिरफ्तार नहीं किया जाने की शिकायत मृतक की मां मणिमाला देवी ने भागलपुर डीआईजी से की है। भागलपुर डीआईजी को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि आरोपितों ने घर घुसकर उसके पुत्र की गोली से छलनी कर हत्या कर दी। हत्या के वारदात के 3 मामी गए। पुलिस अब तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हत्या आरोपित छुट्टा घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। मृतक के 2 अनाथ बच्चे और पत्नी भूख से तड़प रहे हैं। पीड़ित महिला ने डीआईजी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। चंद्रगुप्त बने जिलाध्यक्ष और प्रवीण बने प्रदेश महामंत्री। संपूर्ण वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि रंजन ने नौगछिया के समाज सेवी चंद्रगुप्त शाह को संपूर्ण वैश्य समाज नौगछिया के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है, जबकि नौगछिया के समाज सेवी प्रवीण कुमार भगत को बिहार प्रदेश का महामंत्री मनोनीत किया है। मनोनयन पर गनीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, विशाल गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार, गायक मिथुन महुआ, क्ली नौगछिया ग्रीन नौगछिया के श्रीधर संतोष, राजीव गुप्ता, घनश्याम प्रसाद, कौशल जायसवाल, अशोक केड़िया आदि ने खुशी व्यक्त की है। विभिन्न मंडलों में बीजेपी ने की बैठक। गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष पंकज शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश द्वारा निर्धारित जनसंपर्क अभियान जोर शोर से चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं नौगछिया नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में जनसंपर्क अभियान को लेकर बैठक आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व सांसद अनिल यादव, वरिष्ठ नेता नितेंद्र सिंह गुलाब, मुरारी चिरानिया, प्रवीण कुमार भगत, प्रखंड महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष नन्हे सिंह राजपूत, छोटू सिंह भदौरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता ने इस्माइलपुर से बिनटोली के बीच स्थित स्पर का किया निरीक्षण। कैंप कार्यालय में की समीक्षा। जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोहम्मद जफर रशीद खान ने बुधवार की दोपहर प्रभार लेने के बाद इस्माइलपुर से बिनटोली के बीच स्थित सभी स्परों व विभिन्न स्थानों पर कराए जा रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण करने के बाद स्पर संख्या 6N स्थित कैंप कार्यालय में कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार के साथ समीक्षा बैठक कर नौगछिया अनुमंडल में गंगा व कोसी नदी में कराए गए कटाव निरोधी कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कटाव निरोधी कार्य में गुणवत्ता से समझौता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपाल पाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज। गोपालपुर प्रखंड में 3 पुरुष एवं 1 महिला कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव पाए गए चारों मरीज प्रखंड के अंतर्गत धरारा गांव के रहने वाले हैं। पूर्व में धरारा गांव के मुंबई से आए प्रवासी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद चारों की जांच उसके चयन में की गई थी। चारों की रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव आई है। गोपालपुर पीएससी प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि 2 प्रवासी जो महाराष्ट्र से आए हुए थे और 2 पचगछिया क्वारंटीन सेंटर में था, जिसके बाद इसके रिलेटेड 2 लोग भी आ गए जो 1 माँ और बेटा है। इस तरह प्रखंड में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। नारायणपुर के नगरपारा एवं रायपुर में मिला कोरोना संक्रमित मरीज। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा में 60 वर्षीय वृद्ध एवं रायपुर के 19 वर्षीय युवक में बुधवार को कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। आशय की जानकारी देते हुए पीएससी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजयन कुमार विद्यार्थी ने बताया कि संक्रमित पाया गया प्रवासी रायपुर का मरीज चंडीगढ़ से आया था। वहीं नगरपारा में पाए गए प्रवासी संक्रमित मरीज वृद्ध दिल्ली से आकर नगरपारा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। घर जाने पर कोरोना का लक्षण पाए जाने पर दोनों की सैंपलिंग कराई गई थी। दोनों मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दोनों को भागलपुर में आइसोलेट किया गया है। नवगछिया में रालोसपा ने किया अपने संगठन का विस्तार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पुलिस जिला नौगछिया ने अपने संगठन को विस्तार करते हुए युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार को युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल के द्वारा मनोनीत किया गया है। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने कहा कि प्रशांत को यह पदभार मिलने पर शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष बनने पर प्रदेश सचिव मृणाल सिंह, नौगछिया अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विजय कुमार, मीडिया प्रभारी बादल कुमार, जय प्रकाश सिंह सहित कई अन्य ने बधाई दी है। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर ओय मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है।
मोबाइल 8294585586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल।